हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवंतिका रसोई। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है वो है आलू भुजिया की। हलवाई किस तरीके से आलू भुजिया बनाते हैं उसी खास टिप्स के साथ मैं लेकर आई हूँ। ये टिप्स आपको कोई भी नहीं बताया होगा यूट्यूब पे, तो फ्रेंड्स बहुत ही ध्यान से पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। आप इसकी क्रंचीनेस देख सकते हैं, आवाज़ से ही पता चलता है कितनी ज़्यादा क्रंची है और बहुत ही मिनटों में ही बन जाती है। आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होती, बिल्कुल मार्केट जैसे आपकी आलू भुजिया रेडी होगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है करीब 100 ग्राम बेसन और 4 आलू लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के। ये बॉईल किए हुए आलू हैं फ्रेंड्स। इसे अब हम कद्दूकस कर लेंगे। अगर आप कद्दूकस नहीं करना चाहते हैं तो मिक्सी के जार में भी इसे डाल के इसे ग्राइंड कर सकते हैं 2 चम्मच ऑयल डाल के, उससे भी आपका काम हो जाएगा बहुत इजी। तो मैं जैसे कि हलवाई बनाते उस तरीके से आपको बता रही हूँ, इसलिए मैं कद्दूकस का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये पतला वाला कद्दूकस है जिससे कि हम छोटी छोटी चीज़ों को कद्दूकस किया करते हैं, जैसे अदरक है या लहसुन है, इन सारी चीज़ों को। तो फिर आलू को कद्दूकस करने के बाद में इसे अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। मैश करना है और इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा सा बेसन डालेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करते जाएंगे। एक साथ बेसन बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। एक साथ बेसन अगर हम डाल देंगे तो हमें इसकी क्वांटिटी पता नहीं चलेगी। तो मैंने वेट में बात करूँ तो मैं ये 100 ग्राम बेसन यूज़ कर रही हूँ 4 मीडियम साइज़ आलू में। इसे भी मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करती जाऊंगी और इसे हाथों से इसे मसलते हुए इसे एक डो की फ्रेम में हमें लेके आना है। तो फ्रेंड्स आप देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा बेसन हम बचा लेंगे बाद के लिए। ये देखिए मैंने बचा दिया, बाकी अब हाथों की गतियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, मतलब रगड़ना है, मसलते हुए इसे मिक्स करना है। साथ ही इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब हम रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो सरसों का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बहुत घरों में सरसों का तेल नहीं यूज़ करते इसलिए मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। साथ ही आधी चम्मच हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला डालें या गरम मसाला डाल सकते हैं। सारे मसालों को मिक्स करते हुए हमें ये बचा हुआ जो हमारा भी बेसन है फ्रेंड्स, इसे भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में इसे हम हाथों के मसलते हुए इसे एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे। सॉफ्ट डो लगाने के बाद में इसकी हम बनाएंगे आलू भुजिया। इस डो को देख सकते हैं आप, ये किस तरीके से ये इसको मसलते हुए मैंने रेडी किया है। अब हम इस प्लेट को हटा देंगे, इसे दूसरी प्लेट पे ट्रांसफ़र करेंगे और करीब करीब 15 मिनट तक का इसे रेस्ट देंगे, क्योंकि बेसन को सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। 15 मिनट हो चुके हैं तो ये देखिए, मैंने ये जो आलू सेव बनाने वाली मशीन आती है ना, भुजिया मेकर, मैंने उसमें डाला, हल्का सा ऑयल लगाया। आप ऑयल नहीं भी लगाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मशीन से अगर आप बना रहे हैं। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप पाइपिंग बैग में इसे स्टफ़ करके इससे बना सकते हैं। छोटा सा बारीक छेद कर लीजिए, जितनी भी आपको आलू भुजिया मोटी चाहिए उस हिसाब से। तो फ्रेंड्स ये देखें, मैंने इसमें फिल कर दिया। फिल करने के बाद इसे हम बंद कर देंगे। अच्छी तरीके से इसे टाइट करना बहुत ज़रूरी है। ऑयल मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था, मीडियम हॉट ऑयल का इस्तेमाल करें। ज़्यादा नॉर्मल ऑयल भी नहीं लेना है, ज़्यादा हाई फ्लेम का भी ऑयल नहीं लेना है। इससे क्या होगा कि हमारी जो भुजिया है वो जल जाएगी, और बहुत ही कम गरम हम ऑयल लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि आलू भुजिया हमारी क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो ऑयल हमारा बिल्कुल परफेक्ट गरम होना चाहिए, यानी मीडियम हॉट ऑयल लेना है हमें, बहुत ना ज़्यादा ठंडा लेना है ना ही ज़्यादा गर्म लेना है। इसे एक बार पलटने के बाद में हम इसे 1 सेकंड के लिए इसे ऑयल में और पकाएंगे, उसके बाद में हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारी की सारी आलू भुजिया हम निकाल लेते हैं फ्राई करके, और इसके बाद में आप देखेंगे इसे लंबे समय तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। मैं बच्चों के पसंद के हिसाब से बना रही हूँ इसलिए मैंने मिर्च थोड़ी कम डाली, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं इसमें मसाले। तो फ्रेंड्स इसी तरीके की सारी आलू भुजिया हम फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मुझसे किस कंट्री से जुड़े हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दिया कीजिए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है वो भी मुझे बताइए, उससे क्या होता है मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए कुछ करने का अलग से करने के लिए थोड़ी हिम्मत भी मिलती है कि चलो किसी को तो मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। तो फ्रेंड्स आप देखिए, मैंने सारी आलू भुजिया तैयार कर ली और आप देख सकते हैं इसे ठंडा होने के कर लेंगे। ठंडा करने के बाद आप देख सकते कितनी ज़्यादा क्रंची है, आपको इसकी आवाज़ से पता चलेगा। अब मैंने इसमें डाला आधी चम्मच के करीब चाट मसाला,
साथ ही थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने ऊपर से डाली है। आपको जैसे पसंद हो आप उस फ्लेवर में कर सकते हैं, आपको नहीं पसंद तो चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर स्किप भी कर सकते हैं, काली मिर्च का भी पाउडर डाल सकते हैं। तो ये हमारी आलू भुजिया रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये हो गई रेडी। इसे थोड़ी देर के लिए हम रूम टेम्परेचर में रखें। रूम टेम्परेचर में रखने के बाद में इसको हम एयर टाइट कंटेनर में काफ़ी लंबे समय